हेलो एवरीवन, मैं आज बनाने जा रही हूँ ये व्रत में खाने वाली मोरदन की टिक्की, मोरदन जिसको हम सावा भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें मोरदन लेना है, सफ़ेद ये जो मोरदन आता है इसको आप ले करके और 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिए, जैसे कि मैंने रख दिया था। और इसके साथ मुझे लेना है पटेटो, इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर एक टमाटो, एक रेड चिली लिया है मैंने, इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, और ये है सेंधा नमक क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। इसके साथ हमें ये मूंगफली को क्रस्ट करके डालना है, तो मूंगफली ले रही हूँ मैं। और मैंने ये लिया है सफ़ेद तिल जो थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है मैंने। तो आइए हम सबसे पहले इसी प्रोसेस शुरू करने के पहले ये जो मोरदन हमने लिया है इसको कुक होने रख देते हैं। इसको हल्का सा कुक करना है, तब इसको फिर टिक्की के, जब ये हल्का पक जाएगा तो फिर इसको हमें टिक्की के शेप में लेना पड़ेगा। तो इसको हम पकाने के लिए, कुक करने के लिए रख देते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे पैन गरम रखा है और हम इसमें ये मोरदन को डाल देते हैं। और ये थोड़ा पानी इसमें कम है तो थोड़ा सा मैं पानी और ले रही हूँ। और अब इसमें मुझे नमक हमें नहीं डालना है इसको, क्योंकि हम टिक्की बनाते समय उसमें नमक ऐड करेंगे। तो इसको हम लगभग जितना ये मोरदन रहे उससे थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा गीला नहीं बनाना, हल्का सा जैसे हलवा बनता है उस टेक्स्चर का इसको करना है। बस ये पक जाए, बस इसको ढक के हमें पकाना है। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये मिक्सिंग जार लिया है, इसमें हम ये मूंगफली, चलिए तब तक हम ये मूंगफली दाना क्रश कर लेते हैं जब तक ये हमारे मोरदन पक रहा है। और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है, 10 मिनट में पक जाता है। चलिए तब तक हम ये ग्राइंड करके लाती हूँ मैं। और ये देखिए ये हमारा सावा जो है ये, इसको हमें थोड़ा सा ऐसे दबा करके देखना, अगर ये कुक हो गया हो इसको बंद कर देना, पर ये हल्का सा कच्चा है तो आपको चलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये चला देंगे आप तो ये जहाँ ऊपर वाला जो पका हुआ है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो वो कच्चा रह जाएगा। तो इसमें हल्का सा पानी कम हो गया तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आपको ध्यान रखना है, आपके हिसाब से आपको ध्यान रखना है, जलाना नहीं है, नहीं तो जल जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जैसे मैंने थोड़ा पानी डाला, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको, और देखिए अब ये 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये इस कंसिस्टेंसी का हो गया है, ऐसा हमारा हलवा हो जाता है। और बस आप इसको, अब आप अपनी गैस ऑफ कर दीजिए, उसको पहले दबा के देख लीजिए, हल्का सा ये ऐसा दब जाना चाहिए, ये दब रहा है, ये देखिए अच्छे तरीके से दब जाना चाहिए। बस इसको आप ऑफ, गैस ऑफ कर दीजिए और इसको पहले इसी भाप में 1 से 2 मिनट और पकाइए और फिर उसको प्लेट में डाल के ठंडा करना है और फिर हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये हमने पोटैटो जो लिए थे उसको हमें इस तरह से ये फोक से हल्का हल्का हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं। आप कोशिश करिएगा कि हल्के से ठंडे आलू आप लें, फ्रिज में नहीं रखना है मगर बाहर ही आप उसको थोड़ा ठंडा कर लें। और एकदम महीन नहीं पीसना है क्योंकि अगर ज़्यादा महीन हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी टिक्की बनाने में। जब तक ये हमारा सावा ठंडा हो रहा है, मोरदन ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसको ऐसे हल्का हल्का फोक से ऐसे मैश कर लेंगे। ये मैश हो चुका है, देखिए हमारे ये सावा अच्छी तरह से ठंडा हो गया और इस आलू के ऊपर हमने ये सावा डाल दिया है। और हम इसमें अब डालेंगे ये व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, जो कि मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। देखिए हमने 1% के हिसाब से बनाए हैं और 2% के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं आप सावा ज़्यादा ले सकते हैं, आलू ज़्यादा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें क्रस्ड मूंगफली दाना, ये मैंने 1 कटोरी लिया था पर मेरे को इसमें आधा ही रिक्वायर्ड है तो मैं आधा डाल रही हूँ। इसके साथ ये टोमेटो, और टोमेटो हमें बीज के साथ लेना है तो ये इसकी बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा, हमें अलग से वाटर इंग्रेडिएंट नहीं लेना पड़ेगा। इसके साथ मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 पिंच हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ये रेड चिली, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैं थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, लगभग 2 पिंच। आप शिमला कश्मीरी मिर्च डालें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कई लोग लाल मिर्च खाते नहीं है व्रत में तो हरी मिर्च डाल के खाते, तो आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता मैं डाल रही हूँ, इससे टिक्की और भी ग्रीन रेड सुंदर दिखेगी। और हमें ये टिक्की में सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये बहुत ही अच्छे इसमें जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और इसके साथ साथ ये बहुत ही पेट भी भर जाता है, व्रत में भूख भी नहीं लगती और ऐसा लगता भी नहीं कि हमने व्रत की टिक्की खा रहे हैं, बहुत यमी टेस्ट आता है। तो बस आप इन सबको अच्छी तरीके से फोक से
या हाथों से अच्छे तरीके से सबको एक दूसरे में मिक्स कर देना और एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। और ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से देखिए अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद हमें इसके ऐसे छोटे छोटे छोटा छोटा पेड़े बना लेने हैं। और अगर इसमें आपका ये जो बैटर बना है मान लीजिए गीला हो जाता है तो आप इसमें ये जो मूंगफली का चूरा मैंने बोला था ये और डाल लीजिए तो ये सूखा हो जाएगा। ये ब्रेड क्रम का काम करता है व्रत वाले डिशेस में, तो आप वैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे गोलियां बनानी है। और कई लोग व्रत में तिल नहीं खाते हैं, मैं तिल लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो तिल को आप स्किप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तिल खाते हैं पर कई व्रतों में तिल नहीं खाए जाते तो आप वहां पर स्किप कर दीजिए। और ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसा ये लेना है हाथ में, इसको गोल गोल ऐसे लड्डू जैसे बना के गोल गोल करना पहले। और ये देखिए दूसरा पेड़ा भी बनके तैयार है और इसमें भी हम ऐसे तिल का कोट कर देंगे। और ऐसे ही हम अपनी सारी पेड़े अपने बना के रेडी कर लेते हैं, उसके बाद के प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये देखिए हमारी आलू की टिक्की, सॉरी सावा की टिक्की, ये बिल्कुल आलू की टिक्की की तरह दिख रही है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर दिख रहा है। और आपको खाने के समय पता भी नहीं चलेगा कि आप सावा की खा रहे हैं कि आलू की टिक्की खा रहे हैं, बहुत ही यम्मी लगती है। देखिए इसमें तो मैंने मिर्च मिला दी है और अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो आप इसमें से थोड़ा सा टेक्सचर हटा दीजिए, इसमें मिर्च मत मिलाइए और वो बच्चों के लिए बना दीजिए। और अब हमने यहाँ पर तवा गर्म रख दिया है। और आपको ऑयल का भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप इसमें फूड ऑयल जैसे मूंगफली का तेल हम व्रत में खाते हैं तो मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा तेल इस्तेमाल करें। तो बस हम टिक्की को सेकना शुरू करते हैं। और हमने एक चम्मच तेल को लेके इसको चारों तरफ फैला दिया है और फिर इसको चारों तरफ ऐसे तवे को घुमा करके फैला दीजिए और इसको हल्का गर्म होने देते हैं और उसके बाद इसमें टिक्कियाँ रखना शुरू करते हैं। और ये तवा हमारा गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम एक एक करके इन टिक्कियों को रखते जाएंगे इस तरह से। ये हमारे घर का बहुत ही फेमस और बहुत ही पसंद किया जाने वाला नाश्ता है जो हम व्रत के दिनों में अक्सर खाते हैं। और इसको फ्रेश कर्ड के साथ भी खा सकते हैं, आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे धनिया पुदीना जो भी आप खाते हैं उसकी चटनी के साथ खा सकते हैं, मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसा आपको लगे। और आप इसको सूखा भी खाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आपको बहुत स्लो पे बहुत टाइम लगता है तो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और वैसे भी इसके अंदर जितने भी जैसे मोरदन है सावा जो दिया वो पका हुआ है, आलू पका हुआ है, तो इसको ज़्यादा हल्का सा मतलब सेक लेंगे और खाएंगे तो भी अच्छी लगती है। और अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो भी खा सकते हैं। तो बस हम इसे सेकना शुरू करते हैं। अभी थोड़ा सा लगभग 5 और 7 मिनट्स में ये बन के रेडी हो जाती, अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा, तो 2 मिनट के बाद इसको एक बार चेक करते हैं। तो मैंने 1 मिनट के बाद इसको चेक किया तो ये देखिए हल्का सा ब्राउनिश कलर हो गया, तो मैंने इसको 1 टाइम इसको पलट दिया। ऐसे हम सारी टिक्कियों को धीरे धीरे करके आराम से पलट देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल और डाल देंगे हम। हमने यहाँ पे मूंगफली का तेल लिया, मूंगफली का तेल बहुत ही हैवी होता है तो मैं कम ही ऑयल का इसमें इस्तेमाल करूंगी, इतने ही ऑयल से ये पूरा पक जाएगा। और ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई, इसको मैंने दूसरे साइड से भी पलट दिया। तो बस क्योंकि हम मीडियम आंच में ले रहे हैं तो ये जल्दी पक जाती है, बस इसको उलटते पलटते हुए 1-2 मिनट और पकाना है अपने हिसाब से, आपको जितना क्रिस्प लेना है। और बस ये रेडी टू ईट है। और हमने इसको तवे को बंद कर दिया और अभी हम टिक्की को थोड़ी देर के लिए तवा ठंडा नहीं हो जाता इसी पर डले रहने देंगे, जिससे ये और भी अच्छे से जो इसमें बचा हुआ हीट है उससे ये और भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। उसके बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। और ये देखिए हमने इसको प्लेट में अच्छे से ट्रांसफर कर लिया है और मैं इसे यहाँ पर फ्रेश कर्ड के साथ सर्व कर रही हूँ। इसमें आप नमक शक्कर जो जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो वैसा खा सकते हैं। और अगर आप ये खाएंगे तो आप साबूदाना की टिक्की खाना भूल जाएंगे और बहुत ही कम ऑयल में ये बनती है, तो आप ज़रूर खाइए। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा इसको तलना ना पड़े, कई लोग इसको तल के भी रोल टाइप बनाते हैं, बट अगर आप ऐसे खा के देखेंगे तो बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी और इतनी मुलायम, खाने में माउथ मेल्टिंग है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगेगा आपको खा के। ज़रूर ट्राई करिए अपने अपने घरों पर और देखते रहिए मेरा चैनल डिशेज विद तमिताज किचन। और आगे आपको न्यू रेसिपीज मिलती रहें इसके लिए आपको मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना है। मुझे पता है आप देख रहे हैं पर प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।